हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज एटीवी प्रेजेंट कर रहा है बहुत ही शानदार मैच। आज का मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंज। तो आप सब बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस मैच के लिए। तो चलिए इस मैच का हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर रिंग रेडी हो चुका है और यहाँ पर बिग डॉग की एंट्री हो चुकी है रोमन रेंज की। बिग डॉग इज हियर फॉर हिज यार्ड। देखिए रोमन रेंज को, देखिए आप समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का मैच एक ड्रीम मैच ही होगा। ये मेन इवेंट है आज का हमारा, और जैसे पब्लिक बहुत पसंद करती है रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को एक साथ देखने के लिए, क्योंकि दोनों में ये जो राइवलरी है वो बहुत ही पुरानी राइवलरी है। और आज देखेंगे कि एक राइवलरी में एक नए चैप्टर को, इस नए चैप्टर को कौन लिखता है, कौन इस नए चैप्टर पे राज करता है, ये तो आज पता चल जाएगा। बट रोमन रेंज आज मूड में लग रहे हैं, अभी देखते हैं कि ये आज जीत पाते हैं कि नहीं। देखते हैं, अभी ब्रॉक लेसनर को देखेंगे हम कुछ ही समय में। और अभी रोमन रेंज आए हैं, अभी उन पूरा तैयार होके आए कि आज ब्रॉक लेसनर को छोड़ना नहीं है। और ये ब्रॉक लेसनर आ गए यहाँ पर। सुप्लेक्स सिटी इज हियर, सुप्लेक्स सिटी। यस, ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आ चुके हैं एकदम फायर्ड अप, एकदम पूरे आज मैच के लिए। देखिए देखिए उनकी एनर्जी को, देखिए ये बंदे की लेवल ही एनर्जी अलग लेवल की है बंदे की एनर्जी। मतलब ब्रॉक लेसनर रिंग में आते तो ऐसा लगता है कि कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। इनको हराना बहुत मुश्किल होगा आज रोमन के लिए। अभी दोनों प्लेयर के आंखों में ही एक दूसरे से, मतलब जैसे ही लग रहे हैं कि मार डाले एक दूसरे को, एक दूसरे को बस घूरे जा रहे हैं, देख रहे आंखों में एकदम टेंशन। देखिए दोनों भी एकदम सीरियस है इस मैच के लिए, क्योंकि ये मैच कहीं भी जा सकता है, ये डिसाइड नहीं हो सकता। शुरू में डोमिनेशन कर रहे हैं। रोमन रेंज पूरी तैयारी करके आए थे कि स्टार्टिंग में ब्रॉक लेसनर को कमजोर करेंगे, बट सुप्लेक्स सुप्लेक्स सिटी में डाल दिया यहाँ पर रोमन रेंज को ब्रॉक लेसनर ने। देखिए यहाँ पर कवर किया 1 2, और ये क्या, ये मैच ब्रॉक लेसनर चाहते हैं कि तुरंत सुप्लेक्स पे रोमन रेंज को खत्म कर डाले। बहुत जल्दी में लग रहे ब्रॉक लेसनर, ये देखिए रिप्ले में देखिए कैसे रोमन रेंज ने स्टार्ट कर दिया, तुरंत ही डोमिनेट करना शुरू किया। लेकिन देखिए उनके ऊपर लगातार तीन सुप्लेक्स पड़ चुके हैं यहाँ पर रोमन रेंज को। अभी पूरा कंट्रोल ब्रॉक लेसनर के हाथ में। देखिए उठ रहे, इसका हालत ही खराब हो चुका है, रिकवर हो रहे रोमन रेंज फिर से लगता है सुप्लेक्स सिटी में। और ये साइड स्लैम पड़ चुका है रोमन रेंज को यहाँ पर, मुश्किल हालातों में डाल रहे हैं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर। ये देखिए साइड स्लैम, देखिए क्या परफेक्शन के साथ में दिया है, बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पर रोमन रेंज के ऊपर। देखिए अभी ब्रॉक लेसनर यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैच में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना खत्म। और ये क्या, इसका काउंटर आया, ये सुपरमैन पंच, ओ माय गॉड। और ये दूसरा भी, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीसरा, यहाँ से रोमन रेंज की वापसी हो रही है लगता है। रोमन रेंज भी एकदम फायर्ड अप हो चुके एकदम। ये देखिए पहला सुपरमैन पंच, और ये दूसरा सुपरमैन पंच, और ये तीसरा। देखिए रोमन रेंज को देखिए आप तैयारी में हो रहे, तैयारी कर रहे यहाँ पर स्पीयर की। और ये देखिए ब्रॉक लेसनर को बहुत ही मुश्किल में लग रहे हैं, बनाना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर का सुप्लेक्स को हटा के, ये स्पीयर का स्पीयर की तैयारी हो चुका है। और ये स्पीयर कवर किए 1 2, और ये बहुत ही क्लोज था। ब्रॉक लेसनर को कुछ पता नहीं चला यहाँ पर स्पीयर पड़ गया। देखिए अभी सोच रहे कि क्या कर सकते हैं, अभी स्पीयर से भी नहीं आ रहा है। ये देखिए कितना एनर्जेटिक स्पीयर था यहाँ पर ब्रॉक लेसनर, सोच नहीं पाएंगे कि इतना जल्दी उन्हें तीन सुपरमैन पंच और स्पीयर मिल चुका है अभी। बट रोमन इसको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, अभी स्पीयर दे दिए ब्रॉक लेसनर, हारे भी नहीं। देखिए रोमन लगता है दूसरा स्पीयर अपने पैरों पर खड़े हो रहे, ये स्पीयर देने से पहले क्लच ले लिए, लॉक यहाँ पर मुश्किल में डाल दिया पर रोमन रेंज को ब्रॉक लेसनर ने। ये देखिए रेफरी पूछते हुए,
यहाँ पे रोमन रेंस अब यहाँ से वापसी कर पाएंगे कि नहीं, देखिए रे उनकी हालत खराब होते हुए, बहुत ही हालत खराब होते जा रही है यहाँ पर। अचानक से ब्रॉक लेसनर ने एक मूव में डाल दिया है, क्लॉक में डाल दिया है रोमन रेंस को, ये देखिए। और ये क्या देख रहे हम, ये क्या देख रहे, पावर देखिए रोमन रेंस का, और ये स्लैम, ओ अनबिलीवेबल, एक क्या स्लैम पड़ा है पर ब्रॉक लेसनर को। ये कवर करते हो रोमन रेंस, 1-2 और फिर से किक आउट, फिर से किक आउट, मानना पड़ेगा रोमन रेंस को जो इन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है यहाँ पर। ब्रॉक लेसनर जैसे भारी भरकम को उठा के ये देखिए कैसे लॉक में डाल दिया था। स्पीयर की तैयारी थी पर उसके पहले ही उन्होंने लॉक ले लिया, ब्रॉक लेसनर को पता चल गया था कि स्पीयर देना है, पर रोमन के हाथ में देखिए आप, उन्होंने अपने एनर्जी लेवल को उठाया और ये देखिए एकदम पूरा पावर पैक स्लैम देते हुए। इतना पता चलने वाला है कि आज के मैच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये मैच कहीं भी जा सकता है। ये देखिए ब्रॉक लेसनर की हालत खराब होते जा रही है, यहाँ पे सुपरमैन पंच की तैयारी करते हैं, सुपरमैन पंच की तैयारी का इरादा है उनका। अरे सुपरमैन पंच, अरे सुप्लेक्स में बदल दिया सुपर पंच को, देखिए यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने क्या कन्वर्ट किया है, एक और सुप्लेक्स, फिर से सुप्लेक्स सीटी में रोमन रेंस को लाते हुए बोलते हुए कि हाँ तुम कितना भी कर लो पर हमारा सुप्लेक्स सीटी से तुम उभर नहीं सकते। ये देखिए कैसे काउंटर किया सुपरमैन पंच को सुप्लेक्स सीटी ने, एक और सुप्लेक्स, यहाँ पर दो लगातार सुप्लेक्स दिए। रोमन रेंस भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले, इतना तो श्योर है। ये देखिए आप ब्रॉक लेसनर ब्रॉक लेसनर अपनी तैयारी में, रोमन रेंस भी रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर से एफआई की तरह एक एफआई बट रोमन रेंस छूटे और वापस से स्पीयर देते हुए, बट एक स्पीयर से रोमन रेंस को पता है क्या हो गया, ब्रॉक लेसनर इसलिए दूसरा स्पीयर, वाओ वाओ वाओ, दो स्पीयर लगातार कवर करते हुए, टू और एक फिर से किक आउट, दो स्पीयर में भी ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर दिया ये मैच। ब्रॉक लेसनर वाओ, क्या हम बोल सकते हैं इसको, दो स्पीयर पड़ने के बाद भी ब्रॉक लेसनर ने किक आउट किया। ये देखिए कैसे उन्होंने एफआई को काउंटर किया पहले स्पीयर से, फिर वो भी जानते थे कि एक स्पीयर में कुछ नहीं होने वाला इसलिए दूसरा स्पीयर दिया, फिर भी ब्रॉक लेसनर हार मानने को। मैच यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म था लेकिन ब्रॉक लेसनर ने किक आउट करके बता दिया है कि वो क्यों बीस्ट है। अभी रोमन रेंस भी सोच में पड़ेगा कि अभी करे तो करे क्या, दो स्पीयर के बाद भी लगातार दो स्पीयर देने के बाद भी ब्रॉक लेसनर हारे नहीं, फिर भी एक स्पीयर के लिए ट्राई कर रहे, पर ब्रॉक लेसनर का एक पंच आया और ब्रॉक लेसनर एफआई के लिए फिर से एफआई के लिए तैयारी कर चुके यहाँ पर। ये एफआई, ओह एमजी, जितने के कोई दो, ये क्या कीक आउट करते हैं, फिर से रोमन रेंस बोल रहे हैं कि हम ये आज हम कुछ अलग देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए मुस्कुराते हुए ब्रॉक लेसनर भी, क्योंकि वो भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि एफआई पे रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया यहाँ पर। ये देखिए आप इम्पैक्ट देखिए इस चीज का, देखिए कितना जबरदस्त एफआई दिया, फिर भी ब्रॉक लेसनर मतलब रोमन रेंस हार मानने को तैयार नहीं, वो भी अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते किसी से। ये बहुत ही क्लोज था, ये ब्रॉक लेसनर लग ही गए थे कि जीत जाएंगे मैच, लेकिन बट यहाँ से रोमन रेंस की हालत बहुत खराब हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वापस आएंगे। और फिर से ब्रॉक लेसनर यहाँ पे सुप्लेक्स सिटी में आना चाहते हैं, ब्रॉक सुप्लेक्स पहली सुप्लेक्स दे चुके, अभी ये दूसरा यहाँ पर लगता है काउंटिंग चालू करना पड़ेगा पर सुप्लेक्सिटी की, लेकिन देखिए अभी ब्रॉक लेसनर करते क्या आगे। रोमन रेंस पूरी हालत खराब है, मुझे नहीं लगता कि इस बार ये मतलब यहाँ से वापस आ पाएंगे रोमन रेंस। ये देखिए वापसी करना बहुत मुश्किल लग रहा है रोमन रेंस का, लगातार दो सुप्लेक्स उनको मिल चुका है और वो बहुत ही इम्पैक्टफुल सुप्लेक्स था। ब्रॉक लेसनर हमेशा जब भी आते अपने पावर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, रोमन रेंस काउंटर करने की कोशिश की, सुपरमैन पंच, फिर से सुपरमैन पंच, रोमन रेंस जल्दी जल्दी अपना करना चाहते हैं, ब्रॉक लेसनर को टाइम नहीं देना चाहते, एक स्पीयर देते हुए, स्पीयर दे चुके हैं ब्रॉक लेसनर, अरे ये क्या, ब्रॉक लेसनर वापस पैरों पर खड़े, अरे दूसरा स्पीयर, ओ माय गॉड, दो स्पीयर में डाल चुका है रोमन रेंस, तीसरे के लिए जाना चाहते, तैयारी कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को, जानते कि एक दो में इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये अभी तीसरा, ये देखिए कैसे फटाफट रिकवर किया अपने आप को, और ये सुपरमैन पंच की बारिश करते हुए सुपरमैन पंच देके फिर लास्ट में स्पीयर देते हुए ब्रॉक, ये देखिए स्पीयर देखिए आप, वाओ पिक्चर परफेक्ट स्पीयर, दो लगातार वो भी ब्रॉक लेसनर को, और ब्रॉक लेसनर अपने पैरों पे अभी धीरे धीरे खड़े होते जा रहे। रोमन रेंस एकदम फायर्ड हो चुके, एकदम वो तीसरे के लिए तैयारी कर रहे, क्या हमें एक और देखने मिलेगा, हाँ जी, और ये तीसरा स्पीयर, लगता है मैच खत्म लग रहा है, एक दो तीन,
और यहाँ पर रोमन रेंस इसी के साथ मैच को जीत गए। फुल पैसा वसूल मैच था आज का, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर की भी हालत खराब हो गई, ये देखे टर्निंग पॉइंट, एक लास्ट स्पीयर जिन्होंने रोमन रेंस ने दिया और ये यही पे ब्रॉक लेसनर का था। 1-2 और ये तीसरा, यहाँ पर कोई मौका ही नहीं था यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के पास मैच जीतने का, क्योंकि तीन लगातार स्पीयर। ये देखिए रोमन रेंस को, द बिग डॉग, द एम्पायर, पूरी यार्ड उनका। ये आज उन्होंने साबित कर दिया, देखिए ब्रॉक लेसनर बुरी हालत में। वो अभी डोमिनेट कर रहे हैं, ब्रॉक लेसनर भी उनके सामने अभी नहीं टिक पा रहे। बता रहे द बिग डॉग इज हियर बैक एक बार फिर से डोमिनेट करते हुए। ये देखिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, आज एटीवी प्रेजेंट कर रहा था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। न्यू अपडेट्स और न्यू नोटिफिकेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए हमारे नए नए मैचेस के लिए, और कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट मैच किसका देखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।